हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पर। मैं हूं रमन मिश्रा, हाजिर हूं आज आपके सामने पार्ट थ्री लेकर। UP SSC जूनियर असिस्टेंट 24 दिसंबर को का जो आपका पेपर है उसको लेकर टीम परीक्षा प्लस आपके लिए साथ उतर चुकी है, और हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं 800 प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी, जिसको मैंने नाम दिया है भाग तीन। इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा हिंदी विषय से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस की। ये प्रश्न आज के UP SSC 2019 के पेपर पर आधारित हैं। इससे पहले मेरा लेक्चर दो पार्ट में, पार्ट वन पार्ट टू, इससे पहले ही चैनल पर पड़ा है। जो लोग यहीं देख रहे हैं पहले जाकर उन सारे क्वेश्चंस को भी, आप 200 क्वेश्चंस को कवर करें, साथ ही इनकी जो PDF के रूप में यानी व्याख्या और क्वेश्चन सहित वो टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर, फेसबुक पर, हर जगह उपलब्ध है। फेसबुक हमारा ग्रुप है, ग्रुप्स में जाकर आप परीक्षा प्लस सर्च करेंगे वहां मिलेगा, इसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाकर परीक्षा प्लस सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। इस चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि तमाम आपके एग्जाम से संबंधित वो ऐसे विषय भी जिन पर आपको महत्वपूर्ण नोट्स मिलने चाहिए, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। अगली चीज, यूट्यूब का जो हो, जिस पर आप लेक्चर देख रहे हैं, इस पर हम आगे क्लासेस लाइव करने जा रहे हैं। डेली बेसिस पर आपको 50 क्वेश्चंस हर एक विषय से संबंधित, हर उन पहलुओं से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। दूसरी चीज, और हमारी जो वेबसाइट है parikshaplus.org, इस पर विजिट करेंगे तो आपको इन एग्जाम से संबंधित और अन्य चीजें आपको अच्छे ढंग से वहां पर व्यवस्थित मिलेंगी। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है। साथ ही साथ दोस्तों, एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी टीम के द्वारा जूनियर असिस्टेंट को लेकर एक 10 आपके टोटल टेस्ट की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, टेस्ट सीरीज। ये पूर्णतया 2019 में UP SSC के पैटर्न पर आधारित है। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन आपको पहले सीधा प्लेटफॉर्म पर हमारी टेस्ट सीरीज देनी है, उसके बाद ऑफलाइन रूप में उन सारे टेस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी व्याख्या PDF के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, PDF सॉल्यूशन मिल ही मिल रहा है, और इस एग्जाम से रिलेटेड तमाम ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो इसी में ही आपको मिल जाएंगे 10 टेस्ट सीरीज में। आपको करना क्या है, फटाफट ये नंबर जो दिया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप पर सीधा जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज लिख कर भेज सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर वन से, और देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे हैं, आप कितने से कितना स्कोर कर पाते हैं, स्कोर जरूर कमेंट करें। बाकी अन्य चीजें भी साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चले। पहला शब्द कह रहा है, बैन शब्द का तत्सम रूप क्या है? बैन शब्द का तत्सम रूप तत्सम तद्भव से है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला कह रहा है लोचन, दूसरा कह रहा है वचन, तीसरा कह रहा है विवक्षा, और चौथा कह रहा है बैर। चलिए इसके जवाब फटाफट बताएं। आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कॉपी पेन में ही लिखते रहे, बाद में जब मैं बताता जाऊं तो आप सबसे अंत में जरूर कमेंट करिए 100 में से स्कोर कितना रहा। आप ये मान के चलिए कि अगर इस पेपर में आप अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो UP SSC में जितना यहां स्कोर कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। चलिए इन चारों के जवाब दीजिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो बैन शब्द का तत्सम रूप अगर देखा जाए, ठीक है, तो बैन को क्या बोलते हैं, जिन्होंने ऑप्शन आपका क्या बोला चुना है, जिन्होंने ऑप्शन चुना है बी, ये वचन, ये एकदम बिल्कुल सही है उनका जवाब। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, पुराना शब्द का तत्सम रूप क्या है? फिर से तत्सम से प्रश्न आपके सामने है, पुराना। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कह रहा है पुस्तक, बी कह रहा है पुराण, सी कह रहा है पुराण, और चौथा कह रहा है पौराण। चलिए फटाफट जवाब कमेंट करिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, जहां बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं वहां हाँ नहीं में बोलते रहो, हाँ ए बी सी, मतलब आपको बोलते रहना है मेरे साथ। दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा फटाफट बताइए, और जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या तीन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए पूछ रहा है, प्रश्न भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आसान सा प्रश्न है, विकल्प ए कह रहा है सौराष्ट्री, बी कह रहा है गुरुमुखी, सी कह रहा है देवनागरी, और डी कह रहा है ब्राह्मी। चारों में से बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित 60 प्रश्न में कम से कम आपको मिलने वाले हैं, 3 से लेकर 5 प्रश्न के बीच में मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब जिन्होंने दिया है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मेरा काम यहां पर देवनागरी से संबंधित कुछ जानकारी अगर मैं आपको दूं,
कि जैसे देवनागरी से संबंधित अभी जो सवाल देखे गए हैं, इसमें कुछ अच्छे सवाल भी डाल रहा है, अच्छे सवाल पूछ रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, तो आगे आपका ये बहुत काम देने वाला है। हिंदी जो है अपनी हिंदी भाषा, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, साथ ही साथ इसका विकास अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, हिंदी जो आपकी देवनागरी लिपि है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, ठीक है, बोली जाने वाली ये ध्वन्यात्मक लिपि है। अगला ये कंफर्मेशन हो गया क्योंकि ये पूछा है। और साथ ही साथ अगर मैं हिंदी भाषा के अलावा आपसे ये पूछूं कि कौन कौन सी ऐसी लिपियां हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आप संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोकड़ी, सिंधी, ये सारी जो आपकी अन्य लैंग्वेज है, ये सब की सब देवनागरी लिपि, ये बाएं से दाएं की ओर चलती हैं। ठीक है, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, देवनागरी, ये सब की सब क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। अनुस्वार का उच्चारण होता है, ये वर्णमाला के उच्चारण स्थान से प्रश्न आ गया आपका। ठीक है, वर्णमाला से मैं बार बार बोल रहा हूं कि 60 प्रश्नों से कम 5 प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। मैंने पीडीएफ जो नोट्स हैंड रिटन दिए हैं उसमें वर्णमाला अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सबका सब कवर हो जाएगा। अनुस्वार के बारे में बताइए, ऑप्शंस इस प्रकार है, मुंह से, नाक से, नाक और मुंह दोनों से, डी कह रहा है गले से। चलिए इसका जवाब फटाफट कमेंट करिए, अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है। जिन्होंने चुना है विकल्प बी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, और अनुस्वार जो होते हैं इनका संबंध होता है केवल नाक से। जो ये बिंदी लिखी जाती है, जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला में आप जाएंगे कहां से, का वर्ग से शुरू करेंगे और का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जाएंगे, इनमें जो पांचवा अक्षर होता है जिसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, उनको अनुस्वार की संज्ञा दी जाती है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विकल्प ए बोल रहा 5, बी बोल रहा 6, सी बोल रहा 7, डी बोल रहा 8। जवाब फटाफट कमेंट करें, बोलते रहिए, लिखते रहिए, कुछ भी करते रहो लेकिन करते रहो मेरे साथ। पांचवे का जवाब बताइए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जिन्होंने जवाब दिया है विकल्प बी 6, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से, पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। ठीक है, इसी में 3 पार्ट बनता है, एक आपका आता है उत्तम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, और फिर एक आता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक के ये भेद बन जाते हैं। इन दोनों से संबंधित सवाल 2019 की परीक्षा में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने इनका स्पेशली रूप से जिक्र किया। दूसरे प्रकार का सर्वनाम आपका होता है निजवाचक, जिसमें स्वयं के बारे में वर्णन हो, आप जहां पर आए वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, किसी चीज को जो है क्या करता है, निश्चय करता है। इनमें 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला होता है यह, दूसरा होता है वह। यह वह शब्द जहां मिले वो निश्चयवाचक सर्वनाम का, आप समझ जाए, सर्वनाम का निश्चयवाचक का भेद है। चौथा जो होता है ये अनिश्चयवाचक होता है, जिसके बारे में हम कुछ बोल ना सकें, जो कुछ सही ढंग से ना बता सके, और इसके लिए जो शब्द सर्वनाम में यूज किए जाते हैं वो कोई और कुछ इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर कोई और कुछ है वहां आपको टिक मारना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद जो होता है ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो, ये दोनों शब्द आपको जहां देखने मिले और पूछे ये किसका भेद है, वहां आंख बंद करके लगा दीजिए, सर्वनाम के संबंधवाचक का भेद है। सबसे अंतिम जो होता है ये प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक में आपका आता है कौन और क्या। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए बता दूं, अभी मंडी परिषद में पूछा था सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 11 होते हैं, सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न विशेषण से आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। बृहत्तम शब्द विशेषण की कौन सी तुलना अवस्था है, विशेषण की 3 तुलनावस्थाएं होती हैं, उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा अभी। पहला ऑप्शन दे रहा है मूलावस्था, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है जिसमें दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है उत्तमावस्था, और तीसरे में उत्तरावस्था, और तीसरे में उत्तमावस्था, चौथे में गौड़ अवस्था। चलिए फटाफट जवाब कमेंट करिए, आपको बताना है कि इसका कौन सा जवाब सही है, मूलावस्था सही है कि उत्तरावस्था कि उत्तमावस्था या गौड़ अवस्था। बृहत्तम लास्ट में जो है डबल मा जुड़ा हुआ है, तो इसमें जिन्होंने जवाब चुन लिया है कौन सा, विकल्प सी, वो बिल्कुल सही है, ये विशेषण की उत्तमावस्था है। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, उनके बारे में मैंने बताया आपसे, ये विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है, जो उत्तमावस्था होती है ये विशेषण की सर्वोत्तम। कहाँ पर आएगी ये भी जान लो, जब 2 वस्तुओं या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना हुई,
ठीक है, तो वहां उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन के सामने, क्या कह रहा है? वह पेड़ से कूद पड़ा, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहा था। इसमें बता रहा है वह कौन सी क्रिया है, पहचानो। विकल्प ए दोकर्मक बोल रहा, बी बोल रहा पूर्वकालिक, सी बोल रहा सहायक, डी बोल रहा है संयुक्त। चलिए फटाफट जवाब आपके आने चाहिए, कमेंट करते रहें, बताते रहें कि कौन सही जा रहा है। 7वें नंबर का जवाब और जिन्होंने चुन लिया है विकल्प डी संयुक्त क्रिया, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं वह पेड़ से कूद पड़ा। वह कूद पड़ा कहां से? पेड़ से कूद पड़ा, तो दो दो चीजें एक साथ आ रही हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, कैसा अव्यय है? मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, कैसा अव्यय है? विकल्पों की ओर बढ़ते हैं, पहला विकल्प दे रहा है क्रिया विशेषण, दूसरा दे रहा है संबंध बोधक, तीसरा दे रहा है समुच्चय बोधक, चौथा दे रहा है विस्मयाद बोधक। फटाफट आपके जवाब आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, बताते रहिए, बोलते रहिए जहां पर बैठे हैं। और 8वें का जवाब जिन्होंने चुन लिया है क्या? संबंध बोधक, विकल्प बी। एक तरीके से जिन्होंने चुन लिया है विकल्प बी, वो बिल्कुल सही है, इसका विकल्प बी आपका सही है। देखो संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं ये जान लो, जहां पर आप ये समझ जाओ कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ा कोई ऐसा शब्द जुड़ा है जो उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन संबंध दिखा रहा, वो संबंध बोधक अव्यय का एक भेद होगा। और इसमें दूसरी चीज मैं बता दूं, पहचानना कैसे है, जैसे लगा हो शब्द के बिना, ठीक है, के बिना लगा है, या लगा है मान लीजिए इसके अलावा से पहले, के ऊपर, ठीक है, से पहले लग गया, के ऊपर, ऐसे शब्द जहां मिलने लगे वहां समझ जाओ कि क्या है, संबंध बोधक आपका अव्यय। 9वां प्रश्न स्क्रीन के सामने, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, लिंग से संबंधित व्याकरणिक कोटियां, बार बार मैं बोल रहा हूं इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, व्याकरणिक कोटियों से कम 8 से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, ए ऑप्शन सूर्यारणी, बी सूर्य, सी सूर्यो, डी बोल रहा है सूर्य। चलिए फटाक से आंसर कमेंट करिए और जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, समय आपके पास कम है। आप समझ जाओ कि आपको जो है, आप वहीं जूनियर असिस्टेंट में बैठे हो, हिंदी आपके सामने है, एकदम वहीं पेपर है, हूबहू ऐसे मिलना है, ठीक है। जिन्होंने विकल्प चुना है बी, वो बिल्कुल सही है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्य होता है। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरा प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपको, चलिए चुनना है इसमें से। विकल्प ए बोल रहा है गाय, बी बोल रहा है पहाड़, सी बोल रहा है यमुना, डी बोल रहा है आम। फटाफट बताओ, संज्ञा अच्छे से पढ़ाए तो इसका जवाब आना चाहिए, चलो संज्ञा अच्छे से पढ़ाए तो जवाब दो। और बिल्कुल सही, जो लोग सी विकल्प पर दिमाग घूम रहा वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल आपका यमुना शब्द है। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, चलो बताओ, टेस्ट करो अपने आप को, क्या पढ़े हैं आप? ए बोल रहा है जवान, बी बोल रहा है बालक, सी बोल रहा है सुंदर, डी विकल्प जो आपका दे रखा है, डी बोल रहा है मनुष्य। चलो बताओ भाई, कौन सा इसमें से ऐसा विकल्प है जो आपका जातिवाचक संज्ञा है? चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, चलो बताओ फटाक से, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा विकल्प ऐसा है? और जिन्होंने प्रश्न संख्या 11 का विकल्प चुना है सी सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, बिटप प्रायवाची किसका है बताओ, बिटप प्रायवाची किसका है? विकल्प इस प्रकार है, घड़ा, बिजली, आकाश, जंगल, चारों विकल्प मैंने आपके सामने बोल दिए, जवाब फटाक से कमेंट करो, देखते हैं पर्यायवाची किसकी अच्छी है, ठीक है। चलिए बोलिए प्रश्न संख्या 12 का जवाब, और जिन्होंने जंगल जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर वो यहां से स्कोर कर लिए। 13 नंबर पर चलते हैं, 13 नंबर बोल रहा है बलज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विकल्प इस प्रकार है, विकल्प कह रहा है ए युद्ध समर संग्राम, बी बोल रहा है आपसे तरंग उर्मी लहर, सी बोल रहा है हाथ भुजा कर, डी बोल रहा है लाज शर्म हया। चलो बताओ, हया नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, फटाफट कमेंट करो क्या जवाब है। 13 नंबर का जवाब जिन्होंने चुन लिया है डी, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न जो है, 13 नंबर की अगर मैं बात करूं बलज को लेकर, तो इसका जो सही मतलब होता है, जिन्होंने युद्ध समर संग्राम चुना है वो एकदम सही है, क्योंकि इसका शुद्ध मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुधा का विलोम, चांद तारे विषम गरल, चलो फटाफट बताओ, विलोम शब्दों से प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बोलिए, एकदम समय नहीं है, आप ये मान के चलो कि आप पेपर दे रहे हो। जिन्होंने गरल चुना एकदम बिल्कुल सही है, तो सुधा का विलोम गरल होता है, इससे पहले आ चुका है इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए रखा है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, स्वतंत्र का विलोम, विकल्प इस प्रकार आजाद, उन्मुक्त, स्वच्छंद, परतंत्र, बताओ फटाफट जवाब दो।
फटाफट जवाब दो इसमें, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? जो लोग टिक किए हैं परतंत्र वो एकदम सही हैं, ठीक है। स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, ठीक है। अन्य उसके समानार्थक ही दिए हैं एक तरीके से। अशुद्ध वाक्यों से संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, विकल्प ए बोल रहा है उसने संतोष की सांस ली। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितना सही आप करते हैं। बी कह रहा है महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। सी बोल रहा है उसने अनेक ग्रंथ लिखे। डी बोल रहा है 8 बजने में 10 मिनट हैं। चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है पहचानिए, जवाब दीजिए, कमेंट करिए, बोलते रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन बोलते जरूर रहना है। चलो 16 नंबर का जवाब कौन कौन से लोग दे रहे हैं? हाँ, जिन्होंने जवाब दिया है इसमें अशुद्ध वाक्यों में विकल्प बी वो एकदम से ही सही है, क्योंकि विकल्प बी आपका सही है, ये अशुद्ध है। क्यों? शुद्ध रूप क्या होगा? महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, ये शुद्ध रूप होगा, ठीक है, दिनों तक नहीं। बाकी अन्य विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। 17 थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। पूछ रहा है फिलिप से संबंधित प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आने लगे हैं इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न और साथ ही साथ उससे संबंधित क्या उत्तर आपका होता है। बोल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक योम, बीच में आपको फिल करना है, जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। विकल्प इस प्रकार दर्शन, संगीत, साहित्यिक, चित्रकला। चारों में से जवाब दो, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। बिल्कुल सही, जिन्होंने चुना है कौन सा विकल्प सी साहित्यिक वो एकदम सही है, क्योंकि इन्होंने साहित्य से संबंधित तमाम रचनाएं की हैं। आप जानते भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं। 18 नंबर प्रश्न स्क्रीन के आपके सामने है। चलिए प्रश्न पढ़िए, जवाब दीजिए। कह रहा है युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में की प्रधानता होती किसकी? विकल्प देख लो। पहला बोल रहा है ओजगुण, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, वैसे नहीं आएगा, अगर अच्छे से पढ़े तभी बता सकते हैं। पहला कह रहा है ओजगुण, दूसरा कह रहा है रजोगुण, सी बोल रहा है तमोगुण, डी बोल रहा है सतोगुण। अब आपको गुण के बारे में तो मालूम नहीं, कैसे जवाब दोगे? लेकिन ये चीज समझ जाओ, इसका जवाब जो लोग दे दिए हैं कौन सा बी वो गलत हो गए, ए जवाब इसका सही है, क्योंकि ओज गुण, ठीक है, जितनी भी ऐसी कविताएं हैं जिसको पढ़ने से एकदम खून उबाल मार दे, समझ जाओ वो क्या है। आप पढ़ रहे हो जिनमें वीर रस की प्रधानता हो जाए, वो ओज गुण के अंतर्गत आता है। 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन के सामने है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, गलत करने के बहुत ज्यादा चांसेस। विकल्प दिया है 4, 3, 2, 5, जवाब दीजिए, कमेंट करिए, बताते रहिए। 19 जिन्होंने विकल्प चुना है सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाक्य में एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, यही दो वाक्य के अंग माने जाते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सी सही हो गया। 20 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न, फिर से वाक्य कौन सा शुद्ध है? विकल्प इस प्रकार है, पहला बोल रहा है जिसमें वाक्य आपका ए विकल्प के तौर पर है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सिंह बड़ा विभत्स होता है। सी बोल रहा है क्या यह संभव हो सकता है। डी बोल रहा है युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। जवाब सभी के आने चाहिए, जितने लोग देख रहे हो इसका जवाब आपको जरूर देना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप वहां वाक्यों से संबंधित अगर आ गए तो ठीक है, नए क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेम होकर आ गए तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि यह नया क्वेश्चन है। चलो बताओ 20 नंबर का जवाब, जिन्होंने विकल्प चुना है कौन सा डी, ठीक, वो एकदम सही है। अब बताओ ये तीनों अशुद्ध क्यों है? मैं बता रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जिंदा हूं, जीवित नहीं, ठीक है, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम जिंदा होने पर बतानी। सिंह बड़ा बीभत्स नहीं, भयंकर होता है, सामने आ जाएगा तो आगे समझदार है। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? जब संभव लग गया तो फिर सकना की बात क्या? तो जिन्होंने जवाब दिया था डी वो सही है, जिन्होंने नहीं दिया था वो एक बार देखें। 21 नंबर प्रश्न स्क्रीन के सामने, राम क्रिकेट खेलता पर अच्छा नहीं, कैसा वाक्य? वाक्य से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। विकल्प ए सरल बोल रहा, बी संयुक्त बोल रहा, सी मिश्र बोल रहा, डी बोल रहा कोई नहीं। चलो बताओ, फटाफट बताओ, वाक्यों से संबंधित रचना के आधार पर मैंने रखा है जो UP SSC के सिलेबस में है, आपको जवाब देना चाहिए। 21 नंबर का प्रश्न, जिन्होंने चुना विकल्प बी वो होते हैं बिल्कुल सही, और जिन्होंने नहीं चुना है उनको रखना है ध्यान। 22 नंबर, पदबंध के कितने भेद होते हैं बताओ? विकल्प इस प्रकार 3, 4, 5, और अगला जो आपका दे रखा है वो विकल्प है 2। चलो बताओ फटाफट, पदबंध के भेद कितने हैं भाई, बताइए पदबंध के भेद। और जिन्होंने कौन सा विकल्प चुन लिया है सी 5 भेद, वो एकदम सही होते हैं। 5 भेदों में मैंने बताया है, पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा आपका आता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है विशेषण,
चौथा हो गया क्रिया और पांचवा हो जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पदबंध के पांच भेद समझ गए, आगे से भूलिएगा मत क्योंकि इससे संबंधित सवाल मिलना है। ठीक है, जहां सवाल मिलना हो वो अपने लिए जरूरी है। 23 नंबर स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ चुका है, हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से संबंधित सवाल आएंगे ही आएंगे, 101% बता रहा हूं। कम से कम दो प्रश्न आप मान के चलो, एक तो विराम चिन्ह अशुद्धियां पूछेगा, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके या कहीं पर भी करके, और दूसरा डायरेक्ट उनसे सवाल होंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, चलिए बताइए। विराम पढ़ा है आपने तो जवाब देना चाहिए, जिन्होंने चुन लिया है उत्तर ये बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर हमें ठहराव लेना हो, ठीक है, वहां पर। और इसको लिखते कैसे हैं वो तो जानते ही हो, जैसे ऐसे खड़ी पाई हमने खींच दी तो पूर्ण विराम हो गया। 24 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करें। पहला बोल रहा है जो परिश्रम करता वही आगे बढ़ता, बी बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ठीक है, सी बोल रहा है मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, डी बोल रहा है परिश्रम व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। जवाब की अपेक्षा आप सभी से है, बोलते रहिए, जरूर बोलिए। 24 नंबर प्रश्न का जवाब जिन्होंने चुना है कौन सा, जिन्होंने सी चुना है वो एकदम से गलत है, लेकिन जिन्होंने डी चुन लिया है वो एकदम से सही है। ठीक है, तो डी वाले एकदम सही है और बी वाले एकदम अन्य जो विकल्प चुने बैठे हैं वो गलत। चलो फिलहाल से फिर से अगला प्रश्न आ गया, सुनसान जंगल में धुंध के बीच वो खंडहर, ठीक है, पिक्चर नहीं देखना है आप, वो खंडहर भुतहा इमारत जैसा लग रहा था, विकल्प बता रहा है बर्फानी, बादली, ठीक, घनी, डरावनी, चलो चारों के चारों बताओ, ठीक है, इनमें से कौन सा हो। सुनसान जंगल में धुंध, धुंध कैसी होती है बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है, घनी धुंध होती है, तो विकल्प सी जिन्होंने चुना वो सही है। इतना ही टाइम आपके पास वहां रहेगा, ठीक है, इसलिए इतने टाइम में आप अपने आप को प्रैक्टिस कर लो 8 सेशन में मेरे साथ सारे लेक्चर देखकर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी बोल रहा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, डी बोल रहा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ, चलो चारों में से बताओ फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, इसमें समय नहीं है आपके पास, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। जिन्होंने 26 का विकल्प चुना है कौन सा, बी बिल्कुल गलत है, ए वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, तो सी सही हो गया। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये लोगों ये विकल्प जो जिन लोगों ने चुना वो 2 नंबर अपना सही कर ले गए। अगला पत्र लेखन से बार बार बोल रहा हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, जाकर देख लीजिए, नहीं देखा है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पढ़ी है पढ़ लीजिए, पत्र लेखन इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, विकल्प इस प्रकार, सूचना परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना, चलो बताओ फटाफट बताओ इसका बताओ। और जिन्होंने विकल्प चुना है डी, विकल्प चुन लिया है जिन्होंने डी वो बिल्कुल है एकदम सही, बताइए 27 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए, जिन्होंने डी चुना है वो एकदम गलत है और जिन्होंने चुना है परिपत्र, ठीक है, सर्कुलर, वो एकदम सही है, सर्कुलर बोलते हैं जब एक साथ कई लोगों को सूचनाएं देनी होती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कार्यालय पत्र में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, चलो भैया देखते हैं चार, पहला तो बोल रहा है कार्यालय आदेश, दूसरा बोल रहा है परिपत्र, सी बोल रहा है निमंत्रण पत्र, चौथा बोल रहा है अधिसूचना, चलो कार्यालय आदेश में इनमें से क्या नहीं है बताओ फटाफट जवाब दो, और कुछ नहीं, जवाब क्या होगा, इनमें से कार्यालय आदेश कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है कार्यालय पत्र के अंतर्गत बताओ। भैया निमंत्रण भेजना है, ठीक है, शादी है, मान लो लड़के का बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, तो वहां निमंत्रण पत्र इन सब के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका व्यक्तिगत पत्र होता है। प्रश्न अगला पत्र से, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैंने बताया है बहुत अच्छे से जैसे लेक्चर शुरुआत करेंगे कि पत्र में क्या क्या चीजें डालते हैं, क्या क्या भाग होने चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ए में दिया स्पष्टता, बी दिया है आडंबरपूर्ण भाषा शैली, सी दिया है संक्षिप्तता, डी दिया है सरलता, चार में से कौन सा जवाब आपका सही होगा। जिन्होंने विकल्प चुन लिया है ए वो तो हो गए गलत, और बी जिन्होंने चुना है वो एकदम सही है। आडंबर पूर्ण भाषा शैली क्या, पत्र लेखन में आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, आबैल मुझे मार, ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन, जवाब आपसे अपेक्षित, बताइए फटाक से बताओ फटाफट बताओ। 30 नंबर प्रश्न का जवाब, जिन्होंने चुना है विकल्प सी वो है गलत और जिन्होंने चुना है बी वो है सही, ठीक है, आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। 31 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, वर्णमाला में महाप्राण कौन से होते हैं बताओ, ये तो मैं नहीं बताने वाला, जवाब आपको देना है। ए बोल रहा है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, बी बोल रहा है आपका हर वर्ग का तीसरा,
चौथा पांचवा व्यंजन, सी बोल रहा है हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, विकल्प डी इस प्रकार बोल रहा है हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, महाप्राण। बताइए फटाक से कमेंट करो, महाप्राण कौन से होते हैं बताइए बताइए, जवाब आपको देना है, मैं जवाब नहीं देने वाला इसका। और जिन्होंने विकल्प चुन लिया है डी वो है सही, ठीक है, क्योंकि अल्पप्राण जो महाप्राण व्यंजन होते हैं ये दूसरा और चौथा हर वर्ग में जाओगे आप तो उसमें आते हैं, और साथ ही साथ इनकी संख्या अगर मैं बात करूं तो 15 है, ठीक है, 5 × 2 = 10 होना चाहिए, तो 15 कहां से हो गया ये भी आप सोचिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका एक आता है आगत व्यंजन अड़ा, ठीक है, और उसके ही साथ साथ इनमें जितने आपके संघर्षी आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो हो गया 15 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुके क्यों है भाई। 32 नंबर अनुनासिक व्यंजन, बताओ बहुत बढ़िया प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थार्थक, चतुर्थार्थक अक्षर और पंचमाक्षर, बताओ। अभी प्रश्न आया था इसको जवाब आपको ये देना है, तो बिल्कुल सही है, मैंने इससे पहले भी बताया वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। 33 नंबर प्रश्न अशुद्धियों से संबंधित आपके सामने, पहला विकल्प तदोपरांत, बी आशीर्वाद, सी बोल रहा पारलौकिक, डी विकल्प कुछ इस प्रकार बोल रहा है अफसोसनाक। चलो मैं थोड़ा सा इसको आपको देखने लायक बना रहा हूं, चलो देख रही है ना, बताइए कमेंट करिए भाई, कमेंट करो फटाफट इनमें से कौन सी वर्तनी सही है, चलिए कमेंट करिए। तो जिन्होंने इसमें कौन सी चुनी है, कौन सी वर्तनी सही है बताइए फटाफट, प्रश्न संख्या 33, और जिन्होंने जवाब चुना है डी अफसोसनाक आपकी ही शुद्ध है, बाकी आपकी तदुपरांत नहीं होता है, ये तदुपरांत होता है, ठीक है, तदुपरांत नहीं होता है, हम बोलने में और लिखने में फर्क होता है। आशीर्वाद में ये जो रा की मात्रा है ये वा पर आएगी, आशीर्वाद, पारलौकिक लिखा है ये पारलौकिक होता है, ठीक है, तो समझ गए ना, वर्तनी से संबंधित दो प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 34 आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए उच्चारण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, उच्चारण से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको बताना है कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 34 में पूछ रहा है आपसे वा का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ फटाक से वा का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण से विकल्प दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ, चलो बताओ फटाक से बताओ वा का। 34 नंबर का जवाब जिन्होंने दिया है ए वो है बिल्कुल सही, विकल्प ए इसका सही है। अगला बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर, संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, रजधनीश, रजधनीश, रजनीधनीश, रजनीधनीश, जिन्होंने जवाब चुना है सी, आप इच्छा है मुझे कि आप जवाब तेज देंगे तो सी वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, संधि विच्छेद से, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ, विकल्प इस प्रकार है रामधनयण, दूसरा बोल रहा है रामाधनयण, तीसरा बोल रहा है रामधनयन, चौथा बोल रहा है रामाधनमण। चलो जवाब आपसे अपेक्षित है, जिन्होंने जवाब चुना है कौन सा विकल्प सी, ये सही हो गए हैं, ठीक है, अन्य जो चुने हैं वो समझ जाओ आप, सुधार की आवश्यकता है। खरा खोटा में समास क्या है, अव्ययी भाव, द्वंद, द्विगु, कर्मधार है, बताओ। जहां पर विलोम युग्म मिले वहां पर हमेशा द्वंद होता है, मार ही होगी उनके बीच, तो द्वंद समास हो गया। 37 नंबर के बाद 38 नंबर आपके सामने, साहित्य से इस प्रश्न मैंने रखा है, अच्छा प्रश्न है, बताओ चरिया पद किस भाषा में लिखा है, पाली भाषा में है या प्राकृत में है या अभ्रंश में है या फिर आपका अवहट्ट में है, जवाब दीजिए फटाक से, चरिया पद बताइए। जिन्होंने विकल्प चुना सी अभ्रंश, बिल्कुल सही है। हाँ, चरिया पद के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो सरहपा और कढ़पा, सरहपा कढ़पा ये सब संतों के नाम है, बाबा गोरखनाथ वाले जैसे, ठीक है, इन सब संतों की ये सब रचनाएं हैं, चरिया पद वो जो गाते वाते थे, ठीक है, 8वीं सदी से लेकर के आप जाओगे 13वीं सदी के बीच, ठीक है, तो इस दौरान अभ्रंश का काल है, अभ्रंश की एक तरीके से, अभ्रंश तो इससे पहले आया था, ये अभ्रंश की साहित्य इसमें लिखी जाने वाली लगी थी, कब, 8वीं से 13वीं सदी के मध्य, तो उसी में ये चरिया पद और ये सब लिखा गया था। भाषा से संबंधित, साहित्य से संबंधित, अवधि में लिखी प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, प्रेम चिंगारी दिमाग में बनाए रखना है, रचना पूछा है किसकी, ए बोल रहा है उस्मान की, बी बोल रहा है नूर मोहम्मद की, सी बोल रहा है कासिम शाह की, डी बोल रहा है अली शाह की। अवध जानते ही हैं भाई, अवध नवाबों का रहा है, तो उसमें राइटर आपको उसी प्रकार से मिल रहे हैं, तो बताओ प्रेम चिंगारी किसने लिखी है, जवाब 39 का जिन्होंने दिया है डी अली शाह,
वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी रचना अलीशाह ने की थी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 आपके स्क्रीन पर। देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बताओ। देखते हैं कौन बताता है। देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, वह राज्य आपका है बिहार। बिहार ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 1881 की बात है, सबसे पहला राज्य बना था बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन है? नाथुराम गोडसे, आत्माराम पांडुरंगु, पांडुरंग है, पंडित दीनदयाल शर्मा, और चौथा विकल्प स्वामी विवेकानंद। जवाब आप सभी से अपेक्षित है, जिन्होंने जवाब विकल्प सी चुना सही होते हैं उनके। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने, नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय बताओ। प्रयाग, अहमदाबाद, वर्धा, काशी, चारों में से जवाब चुनना है और जवाब आपको तुरंत देना है, फटाक से देना है। और विकल्प डी, काशी जिन्होंने चुना वो एकदम सही है। देखिए 1800 कब की बात है, 1893 की बात है। ठीक है, इसमें नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु किसका क्या बनाया गया, एक संस्था बनाई गई थी, नागरी प्रचारणी सभा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अदालतों में जो है हिंदी को पहुंचाने का श्रेय किसको है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ही नागरी प्रचारणी सभा को लेकर सब कुछ थे। ठीक है, समझ गए ना। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, शारदा चरण मिश्र, चारों में से जवाब विकल्प चुना ए जिन्होंने होते हैं उनके सही। 44 नंबर प्रश्न आपके सामने, यदि आप अपने छोटे या छोटे भाई या बहन को कोई पत्र लिख रहे हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अभिनिवेदन के रूप में करेंगे? अभिनिवेदन से संबंधित एक सवाल अभी पूछा था इसलिए मैंने इसको डाला है। ठीक है, पत्र लेखन में सब कुछ पीडीएफ में लिखा है, वहां पढ़ लोगे तो गलत नहीं होगा। ए दिया है शुभचिंतक, बी दिया है शुभाभिलाषी, सी दिया है हितचिंतक, डी दिया है दयाभिलाषी, बताओ। छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो क्या नहीं लिखोगे अभिनिवेदन में? जाहिर सी बात है दयाभिलाषी नहीं लिखेंगे, दयाभिलाषी अपने से बड़ों के पत्र में लिखते हैं। तो जिन्होंने जवाब डी चुना था वो सही है और नहीं चुना था उनको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? चलिए बताइए। ए विकल्प आपके सामने इस प्रकार है प्रेषक अधिकारी का नाम, बी विकल्प इस प्रकार है पत्र क्रमांक, सी विकल्प आपके सामने इस प्रकार है विषय, चौथा है संदर्भ, बताओ फटाफट। कार्यालय पत्र है और 45 का जवाब जिन्होंने चुन लिया है डी, क्योंकि जब सामान्य कार्यालय पत्र है तो उसमें हमें जरूरी नहीं है कि हम संदर्भ लिखें तभी हम प्रश्न जो है पत्र भेज सकते हैं। चलिए अगला 46 नंबर, पत्र लेखन में प्रेषिती कौन होता है? पत्र लिखने वाला कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा वो, कि जिस विषय में बात किया जा रहा वो, कि इनमें से कोई नहीं कुछ और है, बताओ फटाक से जवाब दो। विकल्प बी चुनने वाले होते हैं सही, क्योंकि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है वो प्रेषिती होता है, और जो लिख रहा है वो प्रेषित होता है भेजने वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, 4, 2, 3, 5, जिन्होंने विकल्प सी चुना सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न है तालब व्यंजन है कौन से? पहला कह रहा है टा ठा डा ढा, दूसरा कह रहा है ता था दा धा, सी बोल रहा है चाशा झा झा, डी बोल रहा है पापा बाबा, चलो बताओ फटाक फटाक बताओ। 48 नंबर का जिन्होंने चुन लिया कौन सा विकल्प, किसको सही माना जाए? 48 का जवाब जो सी दिए हैं वो एकदम सही है। ठीक है, दो नंबर उनको यहां से मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द पहचानो भाई। अरुण, गुरु, जरूरत, उधम, चारों में से शुद्ध शब्द बताओ। और मेरे ख्याल से अगर इन शुद्ध अशुद्ध शब्दों पर वर्तनी पर समय लगा रहे तो दिक्कत है। ठीक है, फटाक से होनी चाहिए उधम शब्द। ठीक है, उधम शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अगला शब्द है शुद्ध शब्द फिर से पहचानना है, निःशुल्क, कांपना, बांध और पंख, इन चारों में से बताना है। चलो बताओ इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है, शुद्ध शब्द कौन सा मिल रहा है, चलो बताओ फटाक से बताओ। इसमें देर नहीं करना है, इसमें आपको फटाक से जवाब देना है। निशुल्क सही है, कांपना सही है, बांध सही है, पंख सही है। ठीक है, अगर 800 प्रश्न ये देख लिए अच्छे से तो हिंदी वहां गलत नहीं जाने वाली है। 50 नंबर प्रश्न फटाक से बताओ, जिन्होंने विकल्प डी चुना है पंख वो सही है, बाकी आपकी सारी की सारी तीनों जो विकल्प लिखे हैं ये गलत हैं। क्या इसमें गलत है, चलो मैं बता दे रहा हूं। निःशुल्क को लिखते हैं निःशुल्क। ठीक है, जिन्होंने जवाब ये चुना था वो देख लें क्या शुद्ध वर्तनी है। कांपना यहां पर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, किसका? आपके अनुनासिक का, बांध में भी अनुनासिक का प्रयोग जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर स्क्रीन पर आपके सामने। 51 नंबर प्रश्न है संधि से संबंधित,
ठीक है। वधोत्सव में किन दो वर्णों की संधि होती है, जवाब बताओ। विकल्प देखा आपने, चलो जवाब बताओ फटाक से, कमेंट भी करते रहिए। उ धन बड़ा उ, बड़ा उ धन उ धन उ और बड़ा उ धन बड़ा उ। चलो जवाब बताओ फटाक से, 51 नंबर का जवाब जिन्होंने चुना है बी, होते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि जब इसकी संधि विच्छेद करोगे वधु धन उत्सव। यहां पहले वाले में देखो बड़ा उ है, दूसरे वाले का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा उ, दोनों का मेल हो गया, दीर्घ संधि हो गई, काम खत्म। 52 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, अचधन आदि की संधि क्या होगी, अचाति अछाति अजाति अजादि। चलो बताओ चारों में से, व्यंजन संधि जिन्होंने पढ़ाया है उनका जवाब तो आना ही आना चाहिए भाई, संधि पढ़ाए तो जवाब देना पड़ेगा। 52 नंबर का प्रश्न, और विकल्प जिन्होंने चुना डी वो होते हैं सही। चा का मेल हो रहा है किससे, आ से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, चा का मेल बड़ा आ से हो रहा है, तो जहां ऐसी चीजें आ जाए, प्रथम आपका वर्ण जो है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी स्वर से या उसके तीसरे, आपके उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन से हो रहा है, वहां पर उसकी जगह पर क्या हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन चा की जगह पर जा जाएगा, तो आजादी संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न 53 नंबर आपके सामने, अड़ियल में कौन सा प्रत्यय, फटाफट बताओ, यल यल ला अल, चारों में से बताओ अड़ियल में कौन सा प्रत्यय, जिन्होंने चुना विकल्प बी, होते हैं सही। अगला प्रश्न 54 नंबर, ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अभी टीम के द्वारा हमारे जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 टोटल दिए जा रहे हैं टेस्ट, उनकी संपूर्ण पीडीएफ व्याख्या, ठीक है, ऑनलाइन पैनल है उस पर टेस्ट देना है, उसके बाद संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ में, और भी वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, इससे संबंधित तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे। आप उसके लिए इस नंबर पर जो है एक बार कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप जूनियर असिस्टेंट लिखकर भेज सकते हैं 9450006007 पर, इससे आप कोई भी जो भी आपके अंदर शंकाएं हैं वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट आरओ को लेकर के भी हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके लिए भी इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं, जहां आरओ से संबंधित संपूर्ण मटेरियल आपको दिए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उस टेस्ट की संपूर्ण व्याख्या भी, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपके सामने, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द क्या है, ऐच्छिक इच्छिक ईच्छिक ऐच्छिक, चारों में से विकल्प जिन्होंने चुना ए, हो जाते हैं जवाब सही। 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरस पुरा पुरा पुर, चलो बताओ, चारों में से जवाब जिन्होंने चुन लिया विकल्प बी, उनके होते हैं सही। पुरा धन हित करोगे तब पुरोहित बनेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 56 नंबर, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, इष्ट इष्ट ष्ठ सट्ट, बताओ चारों में से बताओ 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 फटाफट बताओ, जिन्होंने विकल्प कौन सा चुन लिया, 56 का विकल्प जिन्होंने चुन लिया ए, उनके जवाब होते हैं सही, ए वाले, ठीक है, बाकी बी वाला गलत है। निशाचर में समास, निशाचर में समास बताओ, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, संप्रधान तत्पुरुष है कि अधिकरण है, चारों में से जवाब आपको फटाफट कमेंट करना है। अगर आपने समास पढ़ा है और समास पर समय दे रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए खतरनाक है पेपर के लिए, ठीक है। निशाचर का मतलब होता है बहुब्री, निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, ठीक है, और जितने विद्यार्थी आजकल के हैं ना, ये सब निशाचर हैं, गलत मत समझना, क्योंकि आप लोग भी रात में ही जगते हैं, ठीक है, रात में जग रहे हैं तो रात में जगने वाले निशाचर, मैं राक्षस नहीं कह रहा हूं लेकिन है निशाचर, ठीक है। 58 नंबर, नीलकंठ में समास बताओ, बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव, चारों में से बताओ फटाक फटाक जवाब आना चाहिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये महादेव को बोलते हैं, एक चिड़िया का नाम है, इसलिए आंख बंद कर बहुव्रीहि मार देना है, ठीक है। जलहीन में समास बताओ, चलो कर्ण तत्पुरुष करण तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष संप्रदान, चारों में से जवाब आपके फटाफट आने चाहिए, ये मस्ट है जवाब आना, ठीक है, जवाब आना आपका बहुत जरूरी है। 59 नंबर प्रश्न का जवाब, जो विकल्प चुनने अपादान तत्पुरुष वो सही है, क्योंकि जलहीन का मतलब देख लो, जल से हीन, जिसमें जल ही ना हो, तो यहां से आ गया ना, तो से आ गया तो क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया, ऐसे संधि वहां तोड़ लेना, और तोड़ के आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें कौन सा है, ठीक है, तो ये समझ गए ना। त्रिकाष्ट का तद्भव बताओ, चलो त्रिकाष्ट का तद्भव बताओ, ये तत्सम है, तेरा होता मतलब कि तीरथ की टिकठी की टिकट, चार में से बता दो, और जिन्होंने ये टिकठी वाला जिनको दिख गया है वो समझ जाए, यही सही है, ठीक है। त्रिकाष्ट का अर्थ होता है टिकठी, ठीक है, मतलब सौ यात्रा जिस पर निकाली जाती है उसको टिकठी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
61 नंबर का प्रश्न है और 61 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चार में से तीन समानार्थी हैं, जिस विकल्प में इनसे भिन्न शब्द दिया गया है वही आपका उत्तर होगा। चलो बताओ भाई, जालक, कोरक, कलिका, द्विज। ये बहुत भयंकर आप लोग गलत करते हो। मैं कोशिश करूंगा इस पर जो है एक क्विज बना दूं कुछ दिन में, ठीक है, ताकि ये गलतियां आपसे ना हो। समानार्थक शब्दों से संबंधित सवाल होंगे। ए कह रहा है जालक, बी कह रहा है कोरक, सी कह रहा है कलिका, डी कह रहा है द्विज। चलो बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प चुना है डी वो होते हैं सही। क्यों? क्योंकि द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है, ठीक है। और बाकी तीन जो दिए, जालक दिया, कोरक दिया, कलिका दिया, ये सब कली के समानार्थी हैं, पर्यायवाची मान लो। अगला प्रश्न फिर से वही मैंने डाला है, चलो बताओ इसका विकल्प, ठीक है। शार्दूल, मारुत, मिकप्रति और सारंग, इन चारों में से भिन्न कौन सा है? बताओ फटाक से, बताओ इन चारों में से। जिन्होंने विकल्प चुना है बी वो बिल्कुल सही होते, क्योंकि मारित वायु का पर्यायवाची, अन्य जो दिए शार्दूल दिया, मृगपति दिया, सारंग, ये सब सिंह के पर्यायवाची है, ठीक है। चलो भैया, अब मैंने विकल्प दिया है, विकल्प में तोड़ दिया है उसको, और फिर आपको बताना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपके देखने भर का बना रहा हूं। कह रहा है इसमें कि जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में से आपको चूज करना है कि जहां पर त्रुटि अगर मिल गई तो ठीक है वहां टिक कर देना, नहीं मिल रही तो आप कोई त्रुटि नहीं है, चौथे में टिक करिएगा। चलो बाकी पढ़ते हैं। शैतान ने आदमी के कान में पहली बार, एक पहला पार्ट हो गया, पर प्रशंसा का श्री गणेश किया था, पर बाद में महिलाओं ने इस पर एकाधिकार कर लिया, कोई त्रुटि नहीं। चलो बताओ, चारों में से आपका जवाब आना चाहिए। आज के पेपर में अगर आप अच्छा 100 में से, ये समझ जाइए कि अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अगर 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप समझ जाओ तैयारी अच्छे दिशा में हो, नहीं हो रही तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो है अच्छा मेहनत करना इन चारों में से। चलो मैं ही बता दे रहा हूं और अन्य लोग जो बता चुके हैं जान चुके हैं, पर प्रशंसा का अर्थ यहां पर गलत है, ठीक है। यहां पर प्रशंसा नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? निंदा। पर प्रशंसा का मतलब निंदा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर, फिर से वही चीज है, त्रुटि आपको बतानी है। बीच में थोड़ी सी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, फेसबुक पर हमारा ग्रुप है परीक्षा प्लस नाम से, ये वाली स्पेलिंग आप डालोगे मिल जाएगा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ वहां पर मिलता है। दूसरी चीज, अन्य इंफॉर्मेशन मैं बताऊं, इन सब की पीडीएफ, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, अन्य जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपके यूट्यूब पर तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा यूट्यूब पर और तमाम मटेरियल होते हैं जो टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते हैं, तो इस चीज को ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको। अगली चीज, यूट्यूब जिस पर आप लेक्चर देख रहे हैं इसको जरूर एक बार सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी बता दो कि हाँ भैया यहाँ पर ये चल रहा है, इसको जरूर जो है एक बार देख लो, 800 प्रश्न हैं, वो भी उनका भी भला हो जाए। और YouTube के चैनल की जो बेल आइकन है इसको जरूर पुश कर लो, क्योंकि लाइव वीडियो जब आने वाले हैं तो वो आपको जरूर जानना है। और चौथी चीज, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो इन एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। अब हम अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही चीज, ठीक है, इसमें बताना है भारत के विभिन्न भागों में हो रही राष्ट्रवादी गतिविधियों ने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दिया है, किसी में क्या आपको त्रुटि लग रही है? जवाब दो, अगर लग रही है तो जवाब देना है, नहीं लग रही है तो चौथा जवाब बोल दो। चलो बताओ फटाक से बताओ, इतना समय नहीं है वहां, आप समझ लो एकदम एग्जाम हॉल में बैठे हो। जिन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियां दूसरे नंबर पर टिक किया, ये समझ जाओ कि ये एकदम सही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो विकल्प बी होता है आपका यहां पर गलत है, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियां, यहां राष्ट्रवादी नहीं, आतंकवादी गतिविधियां होना चाहिए, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न फिर से आपके सामने, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी विकल्प में चार शब्द दिए, एक की वर्तनी जो है अशुद्ध हो सकती है, चलो बताओ, आतंकवादियों, अख्तियार, राजनयिक, यथास्थिति, इन चारों में से बताओ, ठीक है। चलो बताओ 65 नंबर प्रश्न का जो जवाब कौन सा दे रहे, 65 नंबर का जवाब जो दे रहे इसमें सी वाला, क्योंकि राजनयिक लिखा है, यहां राजनयिक होगा, ठीक है, राजनयिक होगा, राजनयिक नहीं, वो हो गए सही और बाकी तो उसमें सही दिया है। 66 नंबर फिर से वही चीज है, इसीलिए अवितारित, समतुल्यता, सांविधिक और पुनर्मूल्यांकन, इन चारों में से कौन सी आपको वर्तनी अशुद्ध लग रही है? फटाक से कमेंट करो और बताओ कौन सी वर्तनी आपको अशुद्ध लग रही है, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न, और जिन्होंने जवाब दे दिया है कौन सा,
जिन्होंने चुन लिया ए, ये सही है क्योंकि यहां पर अवितरित लिखा है, अवितरित होना चाहिए। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार सामने। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 67 नंबर प्रश्न जो आपके सामने आ गया है, ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सही इसका जवाब देता है। पहला दे रहा है संबंधवाचक, बी बोल रहा है पुरुषवाचक, सी बोल रहा है निजवाचक, निश्चयवाचक। अब इसमें कहीं घेर जो है अंडरलाइन वगैरह नहीं किया है मैंने, सीधा सीधा पूछा है, मतलब दिमाग चलाना है आपको। चलो जवाब बताओ भाई, 67 नंबर का जवाब आना चाहिए, और 67 नंबर का जवाब जिन्होंने ए चुन लिया है वो होते हैं सही, और बाकी जिन्होंने चुन लिया है, बाकी जिन लोगों ने चुन लिया है वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि यहां उसका शब्द जो दिया है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए आप, जो उसका शब्द इसने लिख रखा है 67, ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और कैसा, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, इसलिए ए जो चुने हैं वो गलत हैं, बी जो चुने हैं वो सही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर डालें, मैं ये खुद चाहता हूं, जितना काम आप करोगे उतनी पगार मिलेगी। वाक्य में क्या पूछा है हमसे ये भी देख लेते हैं, वाक्य में सर्वनाम पूछा है तो जितना काम करोगे उतना ही पगार मिलेगी, जाहिर सी बात है। चलो इसका जवाब बताओ भाई, जितना काम करोगे उतना पगार मिलेगी, तो जवाब बताइए, जवाब बताइए। इसमें से विकल्प आप देख रहे हैं, संबंधवाचक दिया, पुरुषवाचक दिया, निजवाचक दिया, निश्चयवाचक, चारों में से जवाब चुनो, बताओ 68 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए। 68 नंबर का जवाब जिन्होंने चुन लिया कौन सा विकल्प, ये वाला संबंध, क्योंकि जितना लिखा है उतना लिखा है। ठीक है, ये दोनों संबंध बताने वाले हैं, तो जहां पर ऐसे शब्द मिल जाए वहां आप समझ जाओ कि ये संबंधवाचक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि काला कुत्ता मर गया। चलो भाई, कुत्ता मर गया है, ठीक है, तो इसमें जो ये काला शब्द लिखा है, अंडरलाइन भी है, इसका सब वो बताना है, पद परिचय। पहला दिया है विशेष, निश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग एक वचन। दूसरा विशेषण गुणवाचक, दशाबोधक, पुल्लिंग एक वचन, विशेष कुत्ता। सी बोल रहा है विशेषण गुणवाचक, रंगबोधक, पुल्लिंग एक वचन, विशेष कुत्ता। डी दिया है विशेषण समुदायवाचक, रंगबोधक, पुल्लिंग एक वचन, विशेष कुत्ता। फटाक से जवाब आपके आने चाहिए, ऐसा मुझे अपेक्षा है आपसे। ठीक है, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा है। तो 69 नंबर का जवाब बिल्कुल जिन्होंने सी चुन लिया है वो होते हैं सही। ठीक है, क्योंकि काला विशेषण सबसे पहले, कैसी विशेषण, गुणवाचक, गुणवाचक के अंतर्गत रंगबोधक, लिंग देखें तो पुल्लिंग है, वचन देखें तो एक वचन है, विशेष इसमें कुत्ता है क्योंकि कुत्ते की विशेषता बता रहा, समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, वाच्य के प्रकार आपसे पूछ रहा है, और वाच्य के प्रकार आपसे वो अपेक्षा कर रहा है कि आप इसका जवाब देंगे। चलो बताओ भाई, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, और जिन्होंने विकल्प चुन लिया कौन सा, सी होते हैं एकदम सही, क्योंकि एक होता है आपका कर्तरीवाच्य, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है भाव। ठीक है, तो तीन होते हैं, तीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। प्रश्न नंबर 71 आपके सामने है, संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सी सही नहीं है। 71 नंबर बताओ, विष, विषैला, पिता, पैतृक। सी बोला आदि आदिम, डी बोला है प्रांत, प्रांतिक। बताओ भैया कौन सा इसमें सही नहीं, कौन सा सही नहीं है बताओ, फटाक से जवाब आना चाहिए आपका, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डाली। और जिन्होंने विकल्प डी चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांत का विशेषण प्रांतीय होता है ना कि प्रांतिक, प्रांत का विशेषण होता है प्रांतीय। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आपसे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72 आपकी स्क्रीन पर है, सभा में बीसीओ लेथे में विशेषण का भेद बताना, विशेषण का इसमें कौन सा भेद है। विकल्प इस प्रकार हैं, समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चय, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक। चलो बताओ भैया फटाफट बताओ, इसका एकदम अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि हमें पता तो चल नहीं रहा, बीसीओ मतलब बहुत हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द बताना है, पिशाच, चुगलखोर, पसीना की बेईमान, चारों में से बताओ पिसुन किसका मतलब होता है। 73 का जवाब जिन्होंने बी चुना है, चुगलखोर, वो होते हैं सही। प्रश्न संख्या मैं 74 आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, 74 कह रहा है केतु का पर्यायवाची शब्द बताओ, केतु का, झंडा, आचार्य, किरण, और इसके बाद विकल्प जो चौथा दे रहा है वो बोल रहा है दिशा। चलो बताओ केतु का, तो जिन्होंने क्या चुन लिया है विकल्प, झंडा, ठीक है, वो होते हैं एकदम सही,
केतु का पर्यायवाची झंडा होता है, ध्वजा झंडा। 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति, इन चारों में से जवाब देना है। 75 नंबर का जवाब जिन्होंने क्या कमेंट किया है, सी, उत्तम का अधम होता है, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही होते हैं। 76 नंबर, विपत्ति शब्द का विलोम बताओ भाई, सुख होगा, समृद्धि होगा, संपत्ति होगा, आपत्ति होगा, ठीक है, आपत्ति और विपत्ति तो समानार्थक हो गए, बाकी इनमें तीन बचा तो केवल संपत्ति ही सही होता है, ठीक है, संप्रत जो है संपत्ति। 77 नंबर प्रश्न, अनेक शब्दों से लेकर एक शब्द जो बिना बुलाए आया हो, ठीक है, अतिथि, अंकेचक, अनाहूत, अतिक्रमण, चलो बताओ चारों में से बताओ, ठीक है, ए नहीं सही है, ये अगर चुन लिया, सी सही है इसमें, क्योंकि अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि ना हो, अंकेचक का मतलब होता है जो खातों की जांच करता हो, कैग वाली कंडीशन, अनाहूत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आया हो, और अतिक्रमण का मतलब होता है किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जे जो है कब्जा जताना, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत होगा, इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है आपसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 78 नंबर, चलो बताओ थाली का बैंगन क्या अर्थ है, ठीक है, बोलता नहीं ये तो एकदम थालिक बैगन हो गए, सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, चौड़ा होना कि अधिक चिकना होना, बताओ चारों में से कौन सा, लोकोक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को थाली का बैंगन बोला जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है, आगे आप समझदार है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, बड़ी विकट स्थिति आ गई है आपके सामने, ये आया है चूंकि एक बार इसमें UP SSC में, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ ही लें, देखें कितना आ रहा है भाई, पढ़े बड़े हैं कि नहीं आप, तो 3 कनौजिया और 13 चूल्हा, इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है, और जिन्होंने विकल्प कौन सा चुन लिया है, जिन्होंने चुन लिया है ये जितने आदमी उतने विचार वो होते हैं सही, ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है 3 कनौजिया 13 चूल्हा। अलंकार रत्नाकर किसकी रचना है, रचना से संबंधित प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, इसका जवाब आप सभी से अपेक्षित है कि इसका जवाब आप देंगे, रचनाओं से संबंधित पढ़ लीजिए भैया, कम से कम 3 प्रश्न आने हैं। बिहारी, दलपत राय, रसलीन और घनानंद, इन चारों में से बताओ, जवाब बताओ फटाक से, 81 नंबर का प्रश्न, ठीक है, और मेहनत हो रही है इधर से भी तो मेहनत उधर से भी दिखनी चाहिए, आप लोग कमेंट वमेंट करते रहो भाई, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो पॉजिटिव थाट अपनी भी बनती है, टीम की भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, तो कमेंट अच्छे अच्छे डालते रहो, कैसे क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में, बाकी प्रोग्राम बहुत कुछ है, अभी लोअर को लेकर हम प्रोग्राम पूरा लाएंगे, आप लोग परेशान ना हो, UP SSC की जितनी वैकेंसियां हैं सब कुछ यहाँ मिलेगा, पूरा मटेरियल सब कुछ, क्लास लेक्चर, वीडियो लेक्चर सब कुछ, टेस्ट सीरीज जैसे कुछ है सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, तो ये चैनल एकदम परीक्षा प्लस आपको दिमाग में बना लेना है कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अलंकार रत्नाकर आपको बता देना है, 81 नंबर का प्रश्न है और 81 नंबर का जवाब जिन्होंने बी दिया है, दलपत राय, वो एकदम सही है, अलंकार रत्नाकर उन्हीं की रचना है दलपत राय की, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से मैंने वहीं डाला है, भाषाभूषण किसकी रचना है बताओ, भाषाभूषण विकल्प दिया है भूषण, बी दिया है भिखारी दास, सी दिया है राजा जसवंत सिंह, डी दिया है आलम, ठीक है। अब भाषाभूषण, अब कुछ लोग भूषण में कंफ्यूज हो सकते हैं, चुन भी सकते हैं नहीं आ रहा तो, 82 नंबर भैया ऐसा मत करना, राजा जसवंत सिंह दिया है, इनको चुन लेना, ये सही है। चलो एक शब्द ये मैंने डाला है, ठीक है, ये आएगा ही आएगा, 100% है, तो इस चीज़ों को देख कर जाना कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, ये आना है, डन है एकदम, ठीक है, तो इसको देख कर जाना। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है, अस्थाई है कि कार्मिक है कि पृष्ठांकन है कि परिवीक्षा काल, चारों में से जवाब आप बताओगे, हम नहीं, हम सही वाला जवाब बताएंगे, आपको अपना वाला बताना है, हम सही वाला बताएंगे। जिन्होंने विकल्प डी चुन लिया है वो सही है, परिवीक्षा काल मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड का। 84 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा, रिम्बर्स, रिलैप्स, रिलैक्स और रिलीव, चलो बताओ फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, यहां जवाब नहीं, भार मुक्त का मतलब होता है रिम्बर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिप्टीशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या होगा, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, पुनः नियुक्ति, एक चौथा कहाँ गया, ये है अतिरिक्त प्रभार, चलो बताओ डिप्टीशन, कहते नहीं भैया इस समय डिप्टीशन पर लगे हैं, फला जगह जा रहे हैं, तो इनमें से बताओ क्या होगा डिप्टीशन। 85 नंबर का जवाब जिन्होंने चुना है विकल्प बी, ये प्रतिनियुक्ति को बोलते हैं, ठीक है, उसको डिप्टीशन बोलते हैं, ठीक है।
चलो अगला बताओ, अगर्मक वाक्य कौन सा है? हम तो नहीं बताने वाले, वाक्य से है। बंदर केला खाता है। बी कह रहा है सीता ढोलक बजाती है। सी बोल रहा है आगरा, तो वो ताजमहल आगरा में बना है। डी बोल रहा है खुशबू पत्र लिख दी। चारों में से बताओ, इसी का कोई मतलब नहीं है। ताजमहल बन गया तो बना रहने दो, अन्य सभी में कुछ ना कुछ कर्म आपको मिल रहा है, उसका फल दिख रहा है कि कर्ता पर पड़ रहा है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कर्म का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, तो अकर्मक हो गया। 87 नंबर कह रहा है मैं अभी सोकर उठा हूं। अच्छी बात है। इस वाक्य में सोकर क्या है बताओ? सकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है, कि नाम धातु है, कि पूर्वकालिक है? चारों में से बताओ फटाक से। क्रिया से है तो इसमें तो समय लगेगा नहीं, क्रिया तो अच्छा आप लोगों ने तैयार किया होगा, क्रिया पढ़ लीजिएगा भैया। 87 नंबर, 87 नंबर का डी, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। वो सोकर अभी सोकर उठा है, मतलब सो चुका है फिर उठा, तो ये पहले ही हो गई, पूर्वकालिक हो गई। 88 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य मैंने आपसे पूछा है, प्रश्न अच्छा है, तुम पढ़ो अथवा चुपचाप बैठो। वह कब आ रहा है? कृपया एक दिन का अवकाश देने की कृपया करें, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा करूंगा। अच्छा आ गया, एकदम डान वाली लैंग्वेज। 88 नंबर बताओ भैया, तो 88 नंबर तुम पढ़ो अथवा चुपचाप बैठो। यहां चुपचाप नहीं बैठना है, मेरे साथ आपको बोलते रहना है, पढ़ते रहना, बोलते रहना, तो ये वाला सही है, ठीक है। बाकी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। वह कब आ रहे हैं? वह कब आ रहे हैं? और यहां लगा दो ये, यहां आप ये समझ जाओ कि देवनागरी लिपि में ये नहीं दिखना चाहिए, अंग्रेजी वाला, ठीक है, वो उसी लिपि में लिखा जाना चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा, ठीक है। चलो 89 नंबर प्रश्न भैया देख लो एक बार। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो। ऐसा काम मत करिए भैया कि डर रहे और ये सब नौबत आए, ठीक है। ये वाक्य किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, कि संभाव्य भविष्य काल का, कि संभाव्य वर्तमान काल का, कि संभाव्य भूतकाल का? चलो चारों में से बताओ, ठीक है। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, और ये सब होता है संभाव्य वर्तमान काल में। कोई ऐसा आप काम कर रहे हो और ये आशंका आपको लगी है कि कोई देख लिया तो सब चौपट, तो ऐसे में आपको संभावी वर्तमान काल, ठीक है, होता है। चलो अगला बताओ, हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है रामायण, कवितावली, सूरसागर, रामचंद्र का? मैं जानता हूं इसको बहुत लोग गलत करेंगे, चलो देखते हैं कौन सही बताता है। कौन सी इसमें से हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है? जवाब दो। जिन्होंने विकल्प बताया ए होते हैं सही, क्योंकि रामायण लिखी गई संस्कृत में, ठीक है, रामचरितमानस आपके दिमाग में होगा और यही गलत वहां आप करके आओगे। पुरानी राजस्थानी भाषा को क्या कहते हैं? चलो बताओ, मेवाड़ी बोलते कि मालती बोलते कि मालवी बोलते कि पिंगल डिंगल, क्या बोलते बताओ भैया? इन चारों में से चार विकल्प मैंने दे रखे हैं, बड़े अच्छे भी विकल्प हैं, जो इसको बता दिया वो समझ जाओ सही लाइन में, डिंगल बोलते हैं, ठीक है। पुरानी जो राजस्थानी भाषा है इसको डिंगल कहा जाता है। 92 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर सामने, हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका, ये पत्रिकाओं से मैंने सवाल डाल दिए कि 60 प्रश्न है तो भाई पूछा जा सकता। पहल है कि नवनीत है कि कादम्बनी है कि आजकल है? चारों में से बता दो, फटाक से बताइए, जवाब बताइए, ठीक है। पहल नामक जो ये पत्रिका है ये हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है, और ये 1963 से है, कहाँ, यहाँ आपके इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती है, ठीक है, समझ गए? अब तो बाबा ने प्रयागराज कर दिया है, मैंने इलाहाबाद लिख दिया, मिटाल दें भाई, ठीक है, बाबा ने प्रयागराज किया तो प्रयागराज रहेगा, इलाहाबाद नहीं रहेगा, ठीक, मैंने लिख दिया है, मैंने अपनी जो है गलती सुधार ली है। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ जहाँ इधर उधर पलट गया है नाम तो उनको पढ़ लीजिएगा, जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर। चलो 93 नंबर दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड को हिंदी का पूर्व मध्यकाल कहा? चलो भैया बताओ, ए दे रहा है 1050 से 1375 संवत तक, बी दे रखा है 1700 से 1900 तक, सी दे रहा है 725 से 150, और डी कह रहा है कि 1375 से 1700 तक। विकल्प आपके सामने, जवाब आपके मुंह पर होना चाहिए, ठीक है। 93 का जवाब जिन्होंने दे दिया है डी, ये होते हैं सही, क्योंकि हिंदी का पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। 94 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, कौन सही सुमेलित है बताओ? आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल तमिल, गोवा अंग्रेजी, और ये राजभाषा है और राज्य है बताओ? ये तो मैं नहीं बताने जा रहा, चलो जीएस पढ़ रहे हैं आप तो जवाब देना चाहिए। इसमें यही आंध्र प्रदेश तेलुगु सही है और सब नहीं सही है। एक केरल जाओगे तो केरल में वो बोली जाती है, क्या बोलते हैं, कोकड़ी, वहां की राजभाषा है, ठीक है। अगली चीज अगर देखें, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ओ कोकड़ी मैंने यहाँ का बोल दिया,
केरल वाला जो है, केरल की भाषा वो है, ये गोवा की कोकड़ी है, केरल का है वो मलयालम, ठीक है। केरल की जो भाषा है ये मलयालम है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की ये तो उर्दू है, ठीक। तो समझ गए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर मैंने आपके दे दिया है। संघ की राजभाषा के अनुच्छेद 143 में सुमेलित नहीं है, वही है, ठीक है। अनुच्छेद भी मैंने सोचा अब चलो इसी बहाने पूछ ले, जीएसयू साथी की नहीं। 344 में है राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। 345 अनुच्छेद में क्या ये लिखा है, राज्य की परिभाषा। और 351 में क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए राजभाषा का प्रावधान है। चलो बताओ, आप लोग तो जीएसयू पढ़ते हो। 95 नंबर प्रश्न, जिन्होंने डी चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डी वाला सुमेलित नहीं है भैया, ठीक है। जब 351 में जाओगे तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप बात करेंगे, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय नहीं। भोजपुरी बोली किसके अंतर्गत आती है, सुने तो होंगे ही। अब गाना मैं सुना नहीं सकता हूँ यहाँ पर, मैं तो सुना देता। भोजपुरी बोली आती है किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बता दो भैया, ठीक है। चलो बता दो, फटाक फटाक बताओ, ठीक है, बताइए भैया। 96 नंबर प्रश्न है, 96 मतलब बेइज्जती मत करिएगा, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी, भोजपुरी, ठीक है। बाकी गाने नहीं सुने हैं तो ऑटो में बैठ जाइए, वो बता देंगे ऑटो वाले। भाषा के सर्वमान्य स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं, मातृभाषा, भाषा, मानक भाषा, विभाषा, इन चारों में से चुन लो। भाषा के सर्वमान्य स्वीकृत रूप को मानक भाषा बोला जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। प्रश्न नंबर 98, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक बताओ, एक तो जानते ही हम लोग, राजेंद्र कुमार, दूसरा कमलेश्वर, तीसरा सत्यप्रकाश मिश्र और चौथा खुशवंत सिंह, इन चारों में से बताओ। इन चारों में से जो लोग नहीं जानते वो इसी डी पर बढ़ेंगे तुक्का मारने में, ठीक है। इनका नाम थोड़ा अभी उनके पॉलिटिकल किताबों से जुड़ा रहा है तो लोग इस पर बढ़ जाएंगे। नहीं, कमलेश्वर पाठक की ये रचना है, कितने पाकिस्तान, ठीक है। 98 नंबर जो प्रश्न है, और ये 2003 में थोड़ा सा इसलिए मैंने डाला क्योंकि ये 2003 में ये जब पब्लिश हुई थी कमलेश्वर पाठक की ये किताब कितने पाकिस्तान, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए ये जरूरी किताब है, ठीक है। 99 नंबर आसान सा प्रश्न, हम सोचे सबको खुश कर दें, तो इनमें से संयुक्त व्यंजन बताओ, डा है कि ज्ञा है कि डा है कि सा है। तो ज्ञा जिन्होंने चुना क्योंकि ज्ञा जा प्लस इया से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। अंतिम प्रश्न स्क्रीन के सामने, बिहारी जी का जन्म बता दो, कवि बिहारी, ठीक है, वो बिहारी नहीं आपके मथुरा वाले, फैजाबाद, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, इन चार में से बताओ बिहारी जी कहाँ पैदा हुए। तीन तो मैंने मध्य प्रदेश का ही डाल दिया, तो वैसे दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक है। कवि बिहारी का जन्म हुआ था ग्वालियर में, तो ग्वालियर जिन्होंने चुन लिया है वो है एकदम सही। और एक बार मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ बात मान लीजिए हमारी भी, गुरु जी की भी अपने, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान रखिए, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी चीज़ दोस्तों को भी शेयर करते रहें, तीसरी चीज़ फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अन्य चीज़ें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, ठीक है, उनको भी शेयर करो। PDF मिल रही उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करो, यूट्यूब में नीचे जाकर करो, और कुछ अच्छा, ठीक है, टीम के बारे में, हौसला अफजाई के बारे में लिखते रहो, ताकि मैं रमन मिश्रा आपसे रोज मिलता रहूं, इसी के बहाने आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे और हम भी आपकी टीम में एक मार्गदर्शन के तौर पर हमेशा आपके साथ रहें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।